कैसे बोलूं पापा को, डांट पड़ेगी, डांट मार पड़ेगी पापा मम्मी दोनों से। घर से निकाल दे ये तो मासी के घर चला जाऊंगा। आसान बात थोड़ी ना है बॉस, एग्जाम टाइम मैच भी चल रहे थे, फिर भी मैनेज किया ना। अरे बिट्टू कब से बुला रही हूँ, खाना ठंडा हो रहा है। आइडिया, पापा का साइन खुद ही कर लेता हूँ, पर पता तो चल ही जाएगा। हाँ सर, सर जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आगे मैं अपने वेंडर्स को कैसे पेमेंट करूँगा सर। नहीं, मिस्टर मेहता, देखिए मेहता जी, हमारी बात हुई थी, आप हमारे ऑफिस भी आए, हमने वहाँ सारी बातें की, आपने कहा कि आपको 5 दिन के अंदर अगर माल चाहिए, मैंने आपको डिलीवरी कर दी थी ना सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। यहाँ क्या खड़ा है, जा टेबल पे जाके बैठ, आप ही आ जाओ खाना खाने। प्लेट आगे करो, प्लेट आगे करो। आज तो रिजल्ट आने वाला था ना तुम्हारा, क्या हुआ? हाँ जरा रिपोर्ट कार्ड लाओ देखूँ जरा। कहाँ पहले खाना तो खा लेने दो। खा रहा है? हाँ गो गेट योर रिपोर्ट कार्ड। क्या रैंक आई है? 49th। क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 50। बैठो। पता बैठो, जो स्टूडेंट हमेशा फर्स्ट आता है ना खेल कूद में हो या पढ़ाई में, उसे हमेशा टेंशन रहती है कि उसे हर बार हर फील्ड में फर्स्ट आना है। वो सेकंड भी आता है ना तो उसे लगता है उसका डिमोशन हो गया, लेकिन जो 49th आया वो 37th आ सकता है, 24th आ सकता है, 10th आ सकता है। तो अगली बार कोशिश करना कि 37th आ जाओ, रिमेंबर फेलियर इज एन इवेंट नेवर अ पर्सन। खाओ। ये जो अभी आपने छोटी सी फिल्म देखी ना, इसकी कहानी मेरी खुद की है, मेरी खुद की मतलब बिट्टू की, अरे बिट्टू की मतलब अनुपम खेर की। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर अपने पिताजी के पास गया था ना, तो उन्होंने कुछ ऐसे ही रिएक्ट किया था। उनका मानना था कि फेलियर इज एन इवेंट,
नेवर ए पर्सन। और ये सीख आज भी मुझे कुछ भी करने के लिए तैयार रखती है।